आर्या और गोपी एक कमरे में फंस गए हैं और उसका डोर ओपन नहीं हो रहा है। साथ ही जब आर्या फोन लगाने की कोशिश करते हैं तो गोपी डर के मारे किसी को फोन नहीं लगाने देती। उन्हें लगता है कि शायद आर्या पुलिस को कॉल कर रहे हैं। बोला तुम्हारे पास उसे कॉल कर। बोला तुम्हारे पास फोन है? तुम्हारे पास दो मुझे, सॉरी दो मिनट। बोला तुम्हारे पास फोन है? तुम्हारे पास दो हमें। और इस बीच जिस तरह से गोपी डरी हुई है पुलिस वालों से, वो देखकर आर्या को शक होता है कि जरूर गोपी कुछ गड़बड़ करके आई है। इसलिए जब वो गोपिका से सवाल करते हैं तो वो डर जाती है। दिमाग बेचकर चॉकलेट खरीदी थी क्या? सच सच बताओ हमें, कौन है ये लोग, क्यों तुम्हारे पीछे आते, क्या चाहते हैं? पुलिस को क्यों बुलाएंगे? दिमाग बेच के चॉकलेट खा ली थी क्या? पुलिस को क्यों बुलाएंगे? एक सेकेंड। लेकिन तभी अचानक से दरवाजे के बाहर कोई आ जाता है और उसकी आहट सुनाई देती है। ऐसे में गोपिका को शक होता है कि शायद वही गुंडे उनका पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गए हैं। पर अभी भी वो आर्या को सच्चाई नहीं बता रही है। जवाब दो, सच में जल गया? क्या चाहते हो तुमसे, बोलो, जवाब दो। तो देखना होगा कि कैसे आर्या जानेंगे कि आखिर क्यों है गोपी इतनी डरी हुई। एंड फॉर मोर सच टेलीटाउन अपडेट्स, स्टे ट्यून्ड विद जस्ट शोबिज़।